करना चाहिए सर, 5 साल से मर रहा है सर, या तो इनको रिजल्ट दे दीजिए या तो मौत दे दीजिए सर, एक पांच साल दे दीजिए अब, या तो रिजल्ट दे दीजिए। जूनियर इंजीनियर बना करके वापस हम लोग को रोड पे उतार दिया गया। हम अंतिम चरण पे हम लोग आ चुके हैं, या तो हमें रिजल्ट चाहिए या तो हमें इच्छा मृत्यु चाहिए, बस। अगर सरकार चाहती है कि ये सारे छात्र जो यहाँ हैं वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो तो ठीक है, हम लोग को वो। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे थे। इस वक्त मैं जो वीरचंद पटेल मार्ग पे मौजूद हूँ, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेके चल रहे हैं कि रिजल्ट दो या मौत दो। ये तमाम छात्रों की जो मांग, इनसे बातचीत करेंगे। और जदयू कार्यालय की तरफ अब ये लोग छात्र जो हैं जा रहे हैं, जदयू कार्यालय को घेराव करने के लिए। इन छात्रों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन मांगों को लेके सड़क पे आज उतरे हैं। किस मांग को लेकर सड़क पे उतरे हो? हम लोग बस अपना रिजल्ट के लिए उतरे हैं सर। किस चीज का रिजल्ट? बीटीएससी जेई का रिजल्ट सर। चार साल से लंबित है सर। हम लोग क्या करें सर? आ चुका है एक बार सर, रिजल्ट भी आ चुका है। हम लोगों का डिपार्टमेंट भी मिल गया था, सब कुछ हो गया, फिर संशोधन के नाम पर रिटर्न लिया कि कुछ दिनों में से वापस दे दिया जाएंगे, लेकिन कुछ दिन साल में परिवर्तन हो गया, अभी तक हमारा संशोधन रिजल्ट नहीं आया। और हम गवर्नमेंट से, सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सर आप हमारी कल्याण करें, जो हमारा रिजल्ट है उन्हें दे दीजिए, ताकि नहीं तो हम लोगों को मृत्यु दे दीजिए। जेडीयू कार्यालय की तरफ देखिए, तमाम छात्र जो है अब जा रहे घेराव करने के लिए और वहाँ पे अपनी मांगों को रखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार से तमाम जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेके जेडीयू कार्यालय की तरफ सभी छात्र जो है बढ़ चुके हैं और सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो देखिए, इस वक्त जेडीयू कार्यालय के पास में मौजूद है, यहाँ पे तमाम जो पुलिस है वो यहाँ पे खड़े और छात्र दूसरे तरफ खड़े हैं। पुलिस जो है छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है कि कार्यालय के अंदर ना जा सके। इस छात्र जो तमाम छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर जेडीयू कार्यालय के पास आए हैं और आप देख सकते हैं जो इनका बैनर, रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो। इन छात्रों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मांगो, मदद करो, हम लोग का रिजल्ट बस, और बस हम लोगों को मांग है रिजल्ट जारी कर दे या इच्छा मृत्यु दे, बस इसके अलावा बैनर इतना बड़ा लगा रखे, रिजल्ट दो या मौत दो, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मौत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, या तो रिजल्ट दीजिए या फिर इच्छा मृत्यु हमें दीजिए। इच्छा मृत्यु का मतलब हमें अपने हिसाब से मरने दीजिए या रिजल्ट दीजिए। नीतीश कुमार मौत दो। नीतीश कुमार की सरकार है, जेडीयू कार्यालय का घेराव के, क्या लगता है कि सरकार मांगों को सुनेगी? एक उम्मीद से है कि रिजल्ट देगी सरकार। इतने साल से रिजल्ट रुका हुआ है, 8 साल हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। क्या कहती है सरकार? कहती है कि आप देंगे बोलती, लेकिन देती नहीं है। लगातार जो छात्र है अपनी मांगों के लेकर, क्या मांग है? हम लोग का रिजल्ट चाहिए सर। लगातार जो छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरे हुए और इन्होंने पोस्टर लगा रखा है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो विज्ञापन संख्या का साल दिया हुआ है, 4 साल से इनका रिजल्ट रुका हुआ है। छात्रों से बातचीत कर रहे हो, जाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मौत लीजिएगा। बिल्कुल मजबूरी है अब हमारी, जीते जी मर रहे हैं, उससे अच्छा एक बार मर जाए हम। जीते जी मर रहे हैं, कितने साल से रुका हुआ रिजल्ट? 2019 की बहाली है, 2023 चल रहा है, 2022 में 3 अप्रैल को रिजल्ट दे दिया गया। 2 दिन के लिए जूनियर इंजीनियर बना करके वापस हम लोग को रोड पे उतार दिया गया। क्या कहती है सरकार? सरकार क्या कहेगी, सरकार देख रहे हैं आप, हम अभी भी बस सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। महिलाओं को आरक्षण देने के बाद भी महिलाओं की ये स्थिति है कि हम रोड पे उतरने को मजबूर हो गए हैं। क्या लगता है सरकार मांग सुनेगी या नहीं सुनेगी? सुनना ही होगा, अगर नहीं सुनेगी तो फिर हमारी मांग क्लियर है कि रिजल्ट दीजिए या तो हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। आज पार्टी कार्यालय का घेराव किया गया, सरकार मांग नहीं सुनेगी, आगे क्या रणनीति है? रणनीति कुछ नहीं है, अब हम अंतिम चरण पे हम लोग आ चुके हैं, या तो हमें रिजल्ट चाहिए या तो हमें इच्छा मृत्यु चाहिए, बस। अगर सरकार चाहती है कि ये सारे छात्र जो यहाँ हैं वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो तो ठीक है, हम लोग को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मृत्यु एक्सेप्ट करेंगे जरूर, क्योंकि हम लोग जिस प्रताड़ना से जा रहे हैं अभी गुजर रहे पिछले 4 साल से, वो सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, हम छात्र समझ सकते हैं। क्या कारण है कि इतना लंबा समय लग रहा है रिजल्ट देने में, 4 साल हो गए हैं? कारण तो ये आयोग जानती होगी, एक बार रिजल्ट दे के वापस ले लेना, उसके बाद हम लोग गर्दनी बाग में भी धरने पे बैठे थे 52 दिन के धरने पे, उसके बाद भी कुछ जू नहीं रेंग रहा आयोग के, तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी आके आश्वासन दिया है कि आपका मतलब मदद करेगा? कोई आश्वासन नहीं है और आश्वासन से कोई काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि आश्वासन का हम लोग करेंगे क्या? हमें रिजल्ट चाहिए, हमें अपना जो अधिकार है वो चाहिए।
के छात्र जो है गर्दनी बाग में भी धरना स्थल पे ये धरना दे चुके हैं, और अभी जेडीयू कार्यालय के बाहर में तमाम छात्र आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है वो यहाँ पे मौजूद है अपने रिजल्ट को लेके, अपनी मांगों के लेके, ताकि रिजल्ट जो है वो मिल सके, और सभी ने अपने हाथ में रख रखा है रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो। तो इस तरह से देखिए तमाम जो छात्र हैं सबसे बातचीत करो जाने की कोशिश कर रहे हैं। चार साल से रिजल्ट रुका हुआ, क्या कारण है ये तो आयोग ही बता सकता है ना। आपको क्या लगता है क्यों रोका हुआ रिजल्ट? अभी हम लोग क्या ही बोले, इतना धरना प्रदर्शन इतने तरीके, एक तरफ तो सरकार कहती कि रोजगार देंगे, दूसरी तरफ चार साल से रिजल्ट रुका हुआ है। कभी रिजर्वेशन को लेकर के केस है, तो कभी उम्र सीमा को लेकर के केस है, कभी 2019 वाले नहीं आ सकते हैं, यही सब केस चल रहा है, उसके कारण रिजल्ट बस रुका हुआ है, स्टे लगा हुआ है। कहाँ से आए आप लोग? नालंदा से आए हैं। नालंदा से आए हैं? नालंदा तो नीतीश कुमार का घर है। घर है, फिर भी हम लोग रोड पे हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सभी ने अपने हाथों में बैनर और पोस्टर ले रखा है और जेडीयू कार्यालय का घेराव कर रखा है। ये नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट दे दे, वरना इच्छा मृत्यु दे दे, वो स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि सभी छात्रों का कहना है कि इससे अच्छा जिंदा रहने से अच्छा, जीते जी मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाए। और जो छात्र है वो लगातार जो है अपनी मांगों को लेके कार्यालय का घेराव किए हुए, सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से रिजल्ट मिल सके। देखिए ये छात्र जो है किस तरीके से यहाँ पे बेहोश हो गया है, ये छात्र जो है बेहोश हो गया है, और छात्र देख किस तरीके से देखिए छात्र जो है, छात्र अभी बेहोश हो गया था अपनी मांगों को मांगते हुए, सरकार से बस मांग कर रहे हैं रिजल्ट दो या फिर मौत दे दो। नहीं बनना चाहिए। छात्र जो है वो बेहोश हो गया अपनी मांगों को मांगते मांगते, अपनी बातों को रखते रखते, किस तरीके से देख सकते हैं कि छात्र लगातार पानी पिलाया जा रहा है, क्योंकि अपनी मांगों को मांगते मांगते कह रहा रिजल्ट दो या मौत दो, क्योंकि सरकार जो है सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है, चार साल से रिजल्ट को रोका गया है। तो देखिए जो छात्र हैं लगातार यहाँ पे जेडीयू कार्यालय के पास में मौजूद है, सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और तमाम जो छात्र बस अपनी मांगों को लेकर सरकार के नीतीश कुमार से बस यही गुहार करें कि चार साल से जो रिजल्ट रुका हुआ है वो रिजल्ट समय पे दे, वरना ये छात्र कह रहे हैं कि जिंदा जीने से अच्छा है कि एक बार मौत मिल जाए। और लेकिन लगातार जो छात्र अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और सिर्फ यही मांग कर रहे कि सरकार रिजल्ट दे या फिर इच्छा मृत्यु देने की इजाजत दे, सरकार से बस यही कह रहे कि इच्छा मृत्यु मिल जाए। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।